फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनंता। टुडे आई एम शेयरिंग अ बंगाली रेसिपी झींगे बाटा। झींगे बाटा और रिज गॉर्ड बनाने के लिए हमें चाहिए 4 बड़े रिज गॉर्ड और झींगे। इसका हम स्किन निकाल के छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। हमें एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। मिक्सी में डाल के हम इसका एक स्मूथ अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। बनने के बाद हम पहले इसे निकाल लेंगे और इसके साथ मिलाएंगे ग्रीन चिली का पेस्ट एज पर टेस्ट। अभी एक नॉनस्टिक पैन में 3-4 टेबलस्पून ऑफ मस्टर्ड ऑयल ले लेंगे और इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे ड्राई चिलीज एंड कलौंजी और काला जीरा 1/2 टीस्पून। बाद हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ चॉप्ड गार्लिक और बारीक कटी हुई लहसुन। इसको थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। अभी हम ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज चॉप्ड अनियन और प्याज और इसको भी हमें 2-3 मिनट तक सॉटे करने हैं। जब ये प्याज थोड़ा सा ब्राउन होने लगे, हमें ऐड करने हैं 1 टीस्पून टर्मरिक और हल्दी का पाउडर। अब हमने जो पेस्ट तैयार करके रखे थे, झींगे ऑरेंज गॉर्ड का पेस्ट, वो हम ऐड कर देंगे पैन में। इसको भी हम 2 मिनट पहले सॉटे करेंगे। उसके बाद ऐड करना है सॉल्ट और नमक एज पर टेस्ट। ऐड करेंगे 1 टीस्पून शुगर और शक्कर। रिजगॉर्ड और झींगे में बहुत ज़्यादा पानी रहता है, तो हमें ढक्कन बिल्कुल नहीं लगाना है। जब तक ये पेस्ट ड्राई नहीं हो जाता है, हमको ये कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पेस्ट बिल्कुल ड्राई हो गया है। इट इज़ ऑलमोस्ट रेडी टू सर्व नाउ। अभी ये बंगाली क्विजिन है, तो इसलिए हमें थोड़ा मस्टर्ड का फ्लेवर स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है। सो पैन में से निकालने से पहले हम इसमें थोड़ा सा और रॉ मस्टर्ड ऑयल डाल लेंगे। 1 टीस्पून ऑफ मस्टर्ड ऑयल हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको हम फिर से मिला लेंगे एंड नाउ इट इज़ कम्प्लीटली रेडी। आप इसे गरम गरम परोसिए स्टीम्ड राइस के साथ। ये परफेक्ट है फॉर लंच। आप इसे ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल एंड टेस्टी रेसिपी है और मैं आपके साथ ऐसे और भी बहुत सारे टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगे, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।